हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में लेवल वन वीक टू का वर्कआउट शेयर करने जा रहा हूं। इस लेवल वन वीक टू वर्कआउट में तीन मिनी सर्किट्स होंगे। मिनी सर्किट नंबर वन, उसके हम तीन से चार चार सर्किट्स हम करेंगे। हर सर्किट के बीच में एक से दो मिनट का रेस्ट रहेगा। फिर हम दूसरा मिनी सर्किट करेंगे, सर्किट्स के बीच में एक से दो मिनट का रेस्ट रहेगा। तीन से चार बार आप उसको कर सकते हैं। और उसी प्रकार से तीसरा मिनी सर्किट भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तीन से चार बार। बिटवीन द सर्किट्स रेस्टिंग टाइम हमारा जो है वो एक से दो मिनट का हो सकता है। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है मिनी सर्किट नंबर वन की, वो है नी रेज लेटरल। उसके लिए हमें वाइड स्टांस में हमें आना होगा। फील टॉल, एकदम अपराइट खड़े हो जाएंगे, हाथों को आगे हम अपने लॉक कर लेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम नी को ज़्यादा से ज़्यादा उठा के लगभग अपने शोल्डर्स के पास टच कर दें, कुछ इस तरीके से। और जब हमारा नी ऊपर आएगा तो उसी वक्त हम ब्रीद आउट भी करेंगे। एक लेग में 15 रेपिटेशन करने के बाद फिर हम लेग चेंज करेंगे, दूसरे पैर में भी उसी प्रकार से। फिफ्टीन रेपिटेशन खत्म होने के बाद में जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो मैट के ऊपर में होगी। मैट के ऊपर में हम बैली के ऊपर लेट जाएंगे, यानी कि पेट के बल हम लेट जाएंगे। हैंड्स ओवरहेड, हाथ हमारे सिर के ऊपर आ जाएंगे। क्लोज टू योर ईयर्स, हमें अपर बॉडी और लोअर बॉडी को एक साथ हमें ऊपर लिफ्ट करना है। कोशिश करेंगे कि लेग्स हमारे लगभग स्ट्रेट रहें, टोज पॉइंटिंग अवे रहें, हाथ हमारे कानों के पास रहें और चिन हमारा ऊपर की तरफ रहे। लगभग 30 से 45 सेकेंड, 30 to 45 सेकेंड्स हम इसको होल्ड करेंगे सुपरमैन पोज को, और स्लोली फिर हम नीचे आ जाएंगे। आखिरी एक्सरसाइज मिनी सर्किट फर्स्ट की, पुशअप्स। डिपेंडिंग ऑन आपका क्या फिटनेस लेवल है, आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या तो हम उसको फुल लेंथ करेंगे, अदरवाइज फिर हम उसको हाफ लेंथ भी खत्म कर सकते हैं। ओके, हाफ लेंथ यानी कि नीज के ऊपर, पाम्स हमारे शोल्डर के नीचे आ जाएंगे, शोल्डर विथ अपार्ट में। ब्रीदिंग करते हुए हम नीचे जाएंगे और ब्रीद आउट करके हम ऊपर आ जाएंगे। कोशिश करेंगे एल्बोज हमारे बॉडी के साथ में रहें, यानी कि टकडिंग पोजीशन में हमारे एल्बोज रहें। बॉडी को कोशिश करेंगे स्ट्रेट लाइन में, यानी कि शोल्डर, हिप्स और नी हमारे लाइक ए प्लैंक स्ट्रेट लाइन में रहें। पुशअप्स के हम 10 से 15 रेपिटेशन, या फिर आप ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं, योर बेस्ट। तीनों एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद में एक से दो मिनट का रेस्ट रहेगा, फिर दूसरा सेट, तीसरा सेट और मे बी फोर्थ सेट। मिनी सर्किट टू की पहली एक्सरसाइज जंपिंग जैक, हमें 30 से 40 रेपिटेशन हमें करने होंगे। आपके फिटनेस लेवल के हिसाब से स्पीड को आप मैनेज कर सकते हैं और रेपिटेशन को भी मैनेज कर सकते हैं, मिनिमम 30, मैक्सिमम 40। जंपिंग जैक खत्म होने के बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ग्लूट ब्रिज है। उसके लिए हम पीठ के बल यानी कि बैक के ऊपर हम ले जाएंगे मैट के ऊपर। लेग्स को हम फोल्ड कर लेंगे, नीज को फोल्ड कर लेंगे, शोल्डर विथ गैप बिटवीन योर फीट एंड नीज, हैंड्स ऑन योर साइड, एकदम रिलैक्स रहेंगे हाथ हमारे, हिप्स को हम ऊपर पुश करेंगे। जब हम हिप्स को ऊपर पुश करेंगे हमें ब्रीद आउट भी करना है। नीचे आने के टाइम कंट्रोल वे में हमें नीचे आना है। पंद्रह से बीस रेपिटेशन करने के बाद अगली एक्सरसाइज हमारी लाइंग लेग रेजेस है। सो मैट पे ही हम ऑलरेडी लेग्स हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसको हम दो वर्जन्स हैं हमारे इसके करने के लिए, आपके फिटनेस लेवल के हिसाब से आप वर्जन वन या वर्जन टू आप चूज कर सकते हैं। वर्जन वन, बोथ लेग्स एट द सेम टाइम। जब हमारे लेग्स ऊपर जाएंगे तो ब्रीद आउट, लेग्स को नीचे आने के टाइम कंट्रोल करेंगे। ये
यदि डबल लेग करने में आपको मुश्किल आ रही है तो आप सिंगल लेग भी कर सकते हैं। हर लेग, दोनों ही लेग में बारी बारी 15 से 20 रेपिटेशन। लेग ऊपर जाएगा ब्रीद आउट और कंट्रोल वे में हम नीचे लाएंगे। 15 से 20 रेपिटेशन करने के बाद लेग चेंज, मिनी सर्किट नंबर 3। इसकी पहली एक्सरसाइज है पंचेस, 15 ईच हैंड। उसके लिए हमें पहले पंच बनाना होगा, उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। पाम्स एकदम सामने की तरफ स्ट्रेट, फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, और फिंगर्स को हम अपने थंब से लॉक कर लेंगे। दोनों हाथ हमारे बाय द साइड, और हम वाइड स्टांस में खड़े हो जाएंगे और हाफ स्क्वाट में हम लगभग आ जाएंगे। यहां से सिंगल हैंड 15 रेपिटेशन। फॉर एग्जांपल हमने राइट हैंड से शुरू किया, तो जब हम पंच, यानी कि जब हमारा पंच टारगेट पर पहुंचेगा तो हमें ब्रीद आउट करना है ताकि हम ज्यादा पावर कर पाए, क्रिएट कर पाए। फिफ्टीन रेपिटेशन के बाद हैंड चेंज, दोनों ही हैंड से हम 15-15 रेपिटेशन करेंगे। उसके इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बॉडी वेट स्क्वाट्स, अबाउट 20 रेपिटेशन। 15 से 20 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। शोल्डर विड्थ स्टांस में हम खड़े हो जाएंगे या हिप विड्थ स्टांस में हम खड़े हो जाएंगे। टोज हमारे सामने की तरफ पॉइंटेड होंगे, हाथ हमारे सामने आ जाएंगे शोल्डर हाइट पे। ओके, जो मूवमेंट हमारा होगा वो हिप से होगा। हिप्स को हम पीछे ले जाएंगे, फिर हम हिप्स को डाउन ले जाएंगे, हिप्स को हम ऊपर लाएंगे और हिप्स को हम फॉरवर्ड करेंगे। सो इट्स लाइक सिटिंग ऑन ए चेयर बिहाइंड यू। 15 रेपिटेशन। जब नीचे जाएंगे तो ब्रीद इन करेंगे और ऊपर आएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे। सो ब्रीद इन, ब्रीद इन। कोशिश करेंगे कि हम नी डेप्थ तक, यानी कि हमारे थाइस पैरेलल टू द ग्राउंड आ जाए। पंद्रह से बीस रेपिटेशन। और लास्ट एक्सरसाइज हमारी है लेग रेज टू द फ्रंट। उसके लिए हम फॉरवर्ड स्टांस यानी कि वॉकिंग स्टांस में हम खड़े हो जाएंगे। जो पैर पीछे है हमारा, जो लेग हमारे पीछे है, उसको हमें रेज करना है मैक्सिमम हाइट तक ले जाने की हम कोशिश करेंगे। हैंड्स बाय द साइड ऑन गार्ड। कोशिश करेंगे लेग हमारा सीधा रहे और टोज बाहर की तरफ पॉइंटेड रहे, और जब हम ऊपर आएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे। दस रेपिटेशन होने के बाद में लेग चेंज होगा। अब दूसरा वाला पैर पीछे चले जाएगा और इसी पैर, पीछे वाले पैर से हम 10 रेपिटेशन करेंगे। ओके, तीनों सर्किट हम 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं और बिटवीन द सर्किट्स 1-1 मिनट का रेस्ट रहेगा। पूरा खत्म होने के बाद में वी कैन डू बिट ऑफ स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी हम स्ट्रेचेस कर सकते हैं एंड डन फॉर द डे। थैंक यू।